फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हिम्मत मामा, अरे वाह हिम्मत मामा, हिम्मत मामा का दमदार इंटरव्यू अब हो रहा वायरल। हिमंता बिस्वास शर्मा का ऑन केजरीवाल। चलो देखते हैं क्या करते हैं, रोज करेंगे क्या, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अजमल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप मदरसे तोड़े चले जा रहे हैं। मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूँ, मैंने अलकायदा का कार्यालय को तोड़ा। मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आपको कहा जा रहा है। इसका मीनिंग आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट जनरली वी फील प्राउड जब हम कोई लोग हमको हिंदू बोलता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मैं सोच रही हूँ कि आप दिल्ली आए क्यों हैं? केजरीवाल जी ने बुलाया इसलिए आए हैं, उनका स्कूल मॉडल देखने के लिए आए हैं, उनका मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, क्योंकि वाकयुद्ध चल रहा है ना आपका सोशल मीडिया पर। केजरीवाल जी एक म्यूनिसिपैलिटी का मेयर जैसा है, मैं एक स्टेट का सीएम हूँ। समझ रहे हो आप? दिल्ली तो एक म्यूनिसिपैलिटी ही है, देश की राजधानी भी है। देश का राजधानी है, इसीलिए पार्लियामेंट हाउस मोदी जी बना रहे हैं, नया पार्लियामेंट हाउस। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, मोदी जी एम्स बना रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक में देखा हूँ बाहर से, अगर आज भी आप 2022 में भी आपका अगर हेल्थ केयर का स्टैंडर्ड इन द नेशनल कैपिटल वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, ये देश के लिए बहुत अपमान का बात होता है। आसाम के लिए हो सकता है, लेकिन इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया जो देश का फिफ्थ इकोनॉमी है, उसमें अगर मोहल्ला क्लिनिक इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर हेल्थ केयर, देन आई एम सॉरी। वो तो कह रहे हैं बुलाइए मुझे, असम बुलाइए। बुला दिया ना, आप टाइम तो दे ही नहीं रहे। मनीष सिसोदिया को बुला दिया ना, कोर्ट से उनका नोटिस आ चुका है। सिर्फ बीजेपी के राज्यों में ईडी सीबीआई छापे नहीं मारेगी। देखिए, सिर्फ उन्हीं राज्यों में छापे मारेगी जहां पर विपक्ष है। देखिए, बीजेपी का स्टेट में मोदी जी का शासन चलता है, कोई करप्शन होने का स्कोप ही नहीं होता है। पता है मरेंगे। मोदी जी का आप अगर कांटेक्ट में आते हो तो धीरे धीरे आप रत्नाकर से सचमुच वाल्मीकि बन जाएगा। आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोदी जी से मिलने के बाद? एक तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि मोदी जी का मिलने का पहले सभा में बोलता था मैं गांधी का जय, राहुल गांधी का जय, सोनिया गांधी का जय, अभी बोलता हूँ भारत माता की जय। अरे वाह क्या बात है। बीजेपी का आजकल सबसे चहेता चेहरा आपको माना जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का योगी आपको कहा जा रहा है, हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय आपको कहा जा रहा है, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी क्या है? हम बीजेपी है तो हमारा आइडियोलॉजी एक ही हो सकता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, राष्ट्र को निर्माण करो, और क्या आइडियोलॉजी हो सकता है? तो आप जब आप बोलता है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, क्या इसका मीनिंग आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट जनरली वी फील प्राउड जब हम कोई लोग हमको हिंदू बोलता है। आपकी वजह से मुसलमान वहां डरा हुआ है? नहीं नहीं, आप मुसलमानों को नापसंद करते हैं। देखिए, एक बात है कि आप कौन सा मुसलमान का बात कर रहे हैं। पहला बात है, जब मैं बोलता हूँ कि भाई मदरसा बंद करो, अगर कोई लोगों का मन में ये है कि नहीं मेरा मुसलमान बेटा बेटी खाली जुनाब बनना है, इमाम बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनना नहीं है, तब तो मैं मुसलमान का हित में नहीं बोल रहा हूँ। अजमल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप मदरसे तोड़े चले जा रहे हैं, आपको चाहिए ही नहीं कि परंपरा कायम रहे। देखिए, समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में
अगर कोई अलकायदा का ऑफिस मद्रासा को बना देता है तो उनको आप मद्रासा बोलेगा कि अलकायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मद्रासा नहीं तोड़ा हूँ, मैंने अलकायदा का कार्यालय को तोड़ा। गुरुजी आप तो बेइज्जती पे उतर आए हो। आप कह रहे हैं वोट को लेकर आप ये बात करते हैं, लेकिन बात फिर इमामों के लिए ही क्यों होती है, पुजारियों के लिए क्यों नहीं होती, पादरियों के लिए क्यों नहीं होती है? आपने ये बयान दिया था ना कि बाहर से अगर कोई इमाम आए तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। भारत में जब एक पुजारी मिल जाएगा जो अलकायदा का साथ लिंक है तो पुजारी के लिए भी वो कानून आएगा। लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई एविडेंस हमारा सामने नहीं आया है कि कोई पुजारी अलकायदा का साथ लिंक में है, कोई पुजारी भारत में जिहाद करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों आया मजा? अमेजिंग मजा आ गया। इतना अच्छा बोलते हैं ना, जवाब 100% ऐसे हैं कि बिल्कुल, ये कहते हैं ना जवाब जो होते हैं पूरा एग्जैक्टली निशाने पे जाके लगे। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने जवाब दिए हैं और वो सब एंगल सोच चुके हैं और उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वेरी नाइसली डन, और काफी मतलब उन्होंने प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, और जिस तरीके से बोल रहे हैं और उनको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछोगे और उसका आंसर उनके पास है। बिल्कुल, और क्लियर भी किया है कि केजरीवाल जी के लिए कि दिल्ली जो है उसको स्टेट कहा जाता है बट एक्चुअली इट इज अ सिटी, और सिटी का जो हेड होता है वो मेयर होता है। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा था वो क्या बोले थे, वो बोल रहे हैं मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं मगर दिल्ली जो है इन रियलिटी इज अ सिटी, और सिटी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, सिटी का मेयर होता है। तो देयरफॉर वो कह रहे हैं कि आप सिटी के मेयर हैं, वो सबसे फर्स्ट लेवल एक्चुअली होता। यूएस में भी ऐसा है कि सिटी का एक मेयर होता है, स्टेट का गवर्नर होता है और कंट्री का प्रेसिडेंट, राइट? तो वो लेवल्स है कि पहले आप मेयर बन के दिखाइए, मेयर के बाद गवर्नर बन के दिखाइए, गवर्नमेंट के गवर्नर के बाद आप प्रेसिडेंट बनिए। तो वही एग्जैक्टली वो बता रहे हैं कि आप दिल्ली का वो स्टेट मत कहिए, सिटी कहिए, और सिटी में एक मेयर है। बिल्कुल, और वो यही दिखा रहे हैं कि भैया दिल्ली जो है कैपिटल है, तो कैपिटल में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए कि कंट्री की कैपिटल है, और जिस टाइप की वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको तो दिखाने में ही शर्म आएगी। और जो भी मतलब अच्छा काम हो रहा है आप दिल्ली में देखोगे वो सब मोदी जी का सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो है जो पब्लिसाइज नहीं हो रहा, पब्लिक को ये अवेयरनेस नहीं आ रही कि ये सब जो बन रहा है, ये जो आपको अच्छी चीजें दिख रही है बनी हुई, ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रही है। तो जो आपको ये दिख रहे हैं इतने जो सड़कों की डेवलपमेंटें या जो पुल और ब्रिजेस आपको दिख रहे हैं या जो आपको इतनी अच्छे अच्छे म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे अभी हमने वीडियो किया कि राजपथ को चेंज करके जो बनाया है, जो स्टैचूज लगा रहे हैं, ज्वाला ने उनके सुभाष चंद्र जी बोस के जो लगाए हैं, ये सब जो आप देख रहे हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली आपको मोदी जी के पोस्टर नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिखे कहीं मिस्टर गडकरी के पोस्टर नहीं दिख रहे हैं, दिखते हैं सिर्फ आपको केजरीवाल जी के ही पोस्टर जगह जगह। ऐसा क्यों है सिर्फ उन्हीं के हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है तो उनके हिसाब से उनके पोस्टर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं तो हैरान हो गई थी, मैंने पहले भी शेयर किया ये कि भैया मैं तो हैरान हो गई, जगह जगह केजरीवाल की पोस्टर्स ही पोस्टर्स भी पोस्टर्स, और वहां पे उनकी पार्टी के किसी भाई साहब का बर्थडे था तो उनके जन्मदिन के पोस्टर लगे हुए, इनका जन्मदिन का जहां जहां जाओ जन्मदिन पोस्टर, जन्मदिन का पोस्टर, जन्मदिन का पोस्टर, मतलब एक वर्कर पार्टी वर्कर का जन्मदिन के लिए इतने पोस्टर लगे हुए। वॉलों को खराब किया हुआ, मतलब पब्लिक वॉल्स डिस्ट्रॉय की। सेलिब्रेशन हो रहा है वो अगर पर्सनल मनी से हो रहा है तो अलग बात है, मगर अगर आप पार्टी के फंड से करें तो लोगों का पैसा टैक्स पेयर का मनी है जिससे आप कर रहे हैं। तो और कभी ये अजीब सा कॉन्सेप्ट की अगर आप कहते हैं कि भाई किसी पार्टी के बंदे का बर्थडे बना रहे हैं तो जगह जगह पोस्टर, और एक जगह पे तो सड़क तक को ग्रैब करके सड़क ही ब्लॉक की हुई थी जहाँ पे वो भैया कोई फंक्शन हो रहा है जी उस किसी मिनिस्टर का या किसी बर्थडे का, तो वो भी देख के हम काफी हैरान हुए थे कि पब्लिक के पास जगह नहीं गाड़ियां निकालने की और तुमने रोड ब्लॉक करके बैठ गए और हम कहां से निकले।
तो वो देख के, और इतना मतलब दीवारें भरी पड़ी पोस्टरों से, वो देख के बड़ा काफी शॉकिंग लग रहा था। और हर जगह केजरीवाल की तो देखो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स, इतने ह्यूज साइज के, देख के हैरान। हर थोड़ी दूरी में राइट, मतलब उसमें टैक्स पेयर का मनी लग रहा है, मतलब पॉइंट ये वही है, वही पॉइंट है। और डेवलपमेंट जो सारी देखी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जिस जिसको देख के हम इम्प्रेस हुए दिल्ली में जाकर, हम कह रहे थे यार कमाल कर दिया, वो बाद में पता चला ये तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हुई है, मोदी जी की गवर्नमेंट करके कर रही है ये तो। मैंने कहा यार कमाल ही हो गई है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।